हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरी वर्सेस जावा। तो दोस्तों पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, यानी मैं टोटली 15 पॉइंट्स पे बात कर चुका हूँ और वीडियो बना चुका हूँ। तो आज मुझे क्या रिक्वायरमेंट पड़ी है, तो दोस्तों उसका एक ही रीज़न है, यानी उसका एक ही जवाब है, वो है आप। हाँ जी, आप लोगों की वजह से मुझे दोबारा से ये वीडियो बनानी पड़ रही है। लेकिन आज मैं 15 पॉइंट्स के बारे में बात नहीं करूँगा, जो पॉइंट मेरे से गलत हो गए हैं और जो पॉइंट मेरे से छूट गए हैं मैं उनके बारे में बात करूँगा। क्योंकि आप लोगों ने मुझे कई जगह कमेंट्स किए कि भैया आपने ये पॉइंट कवर नहीं किए हैं, और कई पॉइंट्स आपने ये कहा कि यार ये गलत हो गए हैं तो इसको करेक्ट करिए। तो वो सारे पॉइंट्स हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो यार बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं वो पॉइंट जो पॉइंट गलत हो गया था। हाँ जी दोस्तों, वो पॉइंट मैंने क्यों करेक्ट किया है, देखिए मुझे कई जावा ऑनर्स ने, यानी दो ऐसे ऑनर्स थे जावा ऑनर्स, जिन्होंने मुझे वीडियो के नीचे यानी कमेंट सेक्शन में बताया कि दोस्त भैया हमारे पास जावा की बाइक है और हमारी बाइक 30 से 32 की माइलेज देती है। और दो लोगों ने मुझे सेम यही चीज़ बताई इंस्टा में, तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया आपसे गलती हो गई है कि जावा की बाइक हम खुद चला रहे हैं, यानी इवन हमने पहले रॉयल इनफील्ड की भी चलाई है, तो रॉयल इनफील्ड की माइलेज 40 तक चल जाती है अगर आप उसको ठीक ढंग से चलाएं, और जावा की माइलेज अगर आप ठीक ढंग से भी चलाएं तो हार्डली आपको 32 से 33 की ही माइलेज देती है, और कंपनी में अगर आप जाके पता करें तो भी 32 से 33 की माइलेज देती है। वो पता नहीं कैसे इन्होंने जो अपनी वेबसाइट है या ऑनलाइन में 41 तक की माइलेज बताई जा रही है, तो वो टोटली फेक है। तो अगर हम इसकी बात करें माइलेज वाले पॉइंट की, तो आरी को 10 पॉइंट थे तो 10 ही रहेंगे, क्योंकि मैंने दोनों को एक एक पॉइंट दिए थे माइलेज के मामले में। तो जो जावा के पॉइंट थे, यानी जावा को मैंने 8 पॉइंट दिए थे, तो उसका 7 हो जाएंगे, यानी 10-7 हो जाएगा, यानी आरी को मिलते हैं 10 पॉइंट और जावा को मिलते हैं 7 पॉइंट। अगर हम बात करें उसके अलावा 16 पॉइंट कौन सा होगा जो नया निकला है, तो 16 पॉइंट है रीसेल। हाँ जी दोस्तों, रीसेल मेरे से छूट गई थी और ये बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट है। अगर हम बात करें रॉयल इनफील्ड की रीसेल की, तो रॉयल इनफील्ड में कौन सी बाइक की सबसे ज़्यादा रीसेल है, तो रॉयल इनफील्ड में सबसे ज़्यादा रीसेल है बुलेट स्टैंडर्ड। हाँ जी दोस्तों, आप सबको सुन के शायद हैरानी हो सकती है कि जो अगर रॉयल इनफील्ड की बात करें तो बुलेट स्टैंडर्ड की सबसे ज़्यादा सेल है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह इन एरियों में, तो सबसे ज़्यादा बुलेट की सेल है। और मैंने जब बाकी जगह पता किया तो वहाँ पे भी यही बात सुनने में आई है कि बुलेट स्टैंडर्ड की सबसे ज़्यादा सेल है। बाकी क्लासिक, थंडरबर्ड सबकी है, लेकिन बुलेट स्टैंडर्ड की सेल सबसे ज़्यादा, मतलब रीसेल सबसे ज़्यादा है, सॉरी सेल कह रहा हूँ, रीसेल सबसे ज़्यादा। यानी अगर आप OLX में भी देखेंगे तो 1-1 लाख रुपए की सेकेंड हैंड जो बुलेट होती हैं वो बिकती हैं, यानी बुलेट स्टैंडर्ड हो गया या दूसरी बाइक्स भी बिकती हैं, तो यानी रीसेल के मामले में। और अगर हम जावा की बात करें तो देखिए जावा अभी नहीं है, उसकी जो रीसेल है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। बेसिकली अभी तो जावा इतनी पुरानी हुई भी नहीं है कि उसकी रीसेल हो सके, तो अभी ये जो पॉइंट है वो रॉयल एनफील्ड के पास है। इन फ्यूचर जब जावा को भी 3-4 साल हो जाएंगे तो उसकी रीसेल के बारे में थोड़ा सा कंफर्मेशन आ जाएगी, तो शायद ये पॉइंट जावा के पास चले जाए, शायद, मैं अगेन बात कर रहा हूं कि शायद ये पॉइंट जावा के पास चले जाए, लेकिन अभी तो ये पॉइंट रॉयल एनफील्ड को मिलता है। तो यानी रॉयल एनफील्ड को मिलता है 1 पॉइंट और इस चीज के लिए हम जावा को देंगे 0 पॉइंट। दोस्तों उसके अलावा अगर हम 17वें पॉइंट की बात करें तो 17वां पॉइंट है वाइब्रेशन। हाँ जी दोस्तों, मुझे कई लोगों ने कहा कि भैया आपसे वाइब्रेशन वाला पॉइंट तो छूट गया है, तो हाँ यार मुझे भी लगा कि मेरे से वाइब्रेशन वाला पॉइंट छूट गया है। लेकिन अगर हम बात करें वाइब्रेशन की, तो यार मैं रॉयल एनफील्ड खुद चला रहा हूँ, स्टार्टिंग में वाइब्रेशन फील होती है, लेकिन आफ्टर दैट अगर आप उसको चलाना शुरू कर देते हैं कंटिन्यूटली, तो यार आपको वो वाइब्रेशन फील ही नहीं होता, और इवन यार उस वाइब्रेशन में मजा आने लग जाता है। और अगर वो वाइब्रेशन ना हो तो मुझे तो लगता है शायद रॉयल एनफील्ड बिकना ही बंद हो जाए। तो फिर भी अगर हम बात करें कि कम वाइब्रेशन किस में है, तो हाँ जावा में कम वाइब्रेशन है, मैंने जावा भी चलाई है, तो जावा की जो वाइब्रेशन है एज़ कम्पेयर रॉयल एनफील्ड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। हो सकता है जो रॉयल एनफील्ड की नेक्स्ट जनरेशन बुलेट आने वाली है या नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक या थंडरबर्ड आने वाली है, उसमें हमें कम वाइब्रेशन देखने को मिले, क्योंकि उसके इंजन को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद उसमें कम वाइब्रेशन मिल सकती है, कि उसमें डबल क्रेडल फ्रेम यूज़ किया गया है, जो उसका इंजन है वो भी चेंज कर दिया गया है, तो हो सकता है कि उसमें हमें वाइब्रेशन कम मिले, लेकिन मुझे उसमें ऐसा भी लगता है कि शायद उसमें थंब हमें कम मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट की, तो हम यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे हम रॉयल एनफील्ड को पॉइंट नहीं दे सकते, क्योंकि ज़्यादा वाइब्रेशन वाली बाइक का पॉइंट तो है नहीं है, ऑब्वियसली बात है कम वाइब्रेशन वाली बाइक का पॉइंट है, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है वो अब मिल जाता है जावा को। तो यानी यहाँ पे रॉयल एनफील्ड को मिलते हैं 0 पॉइंट और जावा को मिलता है 1 पॉइंट। तो दोस्तों इसके अलावा भी मुझे कई कमेंट्स ऐसे आए कि भैया आपने काउंट्स ऑफ सेल्स वगैरह को देखा नहीं है, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इन दोनों के
कंपैरिजन में अभी हमें इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। इन चीज़ों को हमें तब रखना चाहिए कि जब जावा को भी 3 या 4 साल मार्केट में हो जाए तो दोनों का तब ठीक ढंग से कंपैरिजन होगा, यानी कि मार्केट में कितनी सेल हुई है। इन सब चीज़ों को हमें तब काउंट करना चाहिए। अभी अगर हम काउंट करेंगे इन चीज़ों को तो मेरे को ऐसा लगता है कि जावा के साथ जस्टिफाई नहीं रहेगा। तो अभी जो अगर हम बात करें कि पॉइंट की, तो कितने पॉइंट मिले हैं, तो दोस्तों रॉयल एनफील्ड को मिलते हैं 11 पॉइंट और जावा को मिलते हैं 8 पॉइंट। यानी जावा अभी भी 8 पॉइंट पे है, तो उसका एक पॉइंट कटा था, तो दैट्स वाई उसको एक पॉइंट अब यहाँ पे वापस मिल गया। लेकिन उसके हैं 8 पॉइंट और रॉयल एनफील्ड की 1 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, यानी उसको मिले हैं 11 पॉइंट। अगर वो वीडियो आपने मेरी नहीं देखी है तो यार वो एंड स्क्रीन में आ जाएगी, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों एंड में जाते जाते मैं आप सबको इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि अब मेरे से दोबारा से कोई पॉइंट छूट गया तो यार वो पॉइंट आप मुझे दोबारा बता सकते हैं, यानी अगर कोई ऐसा पॉइंट छूट गया तो आप मुझे बता सकते हैं। और पहले वाली जो वीडियो जिसमें मैंने 15 पॉइंट कवर किए थे, तो वो वीडियो भी आप पक्का देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखने का फायदा, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।